हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स। आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और अब 9वें महीने तक पहुंच गई है, बट आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि मुझे डॉक्टर के पास कब जाना होगा और कब एडमिट होना पड़ेगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लेबर पेंस आ गए हैं और मेरी डिलीवरी अब होने वाली है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि मुझे ऐसे कौन से लक्षण आएंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपके लक्षण कौन कौन से आएंगे जब आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो जब भी पेशेंट का 36 हफ्ते पूरे हो जाते हैं या 9वां महीना पूरा हो जाता है और कहते हैं कि 10वां महीना चालू हो गया, या 36 के बाद में 37 या 38 वीक्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को डॉक्टर्स 40 वीक्स काउंट करते हैं, मतलब कि जो प्रेगनेंसी वो टोटल 40 वीक्स की होती है, तो 40 वीक्स तक वेट किया जाता है। और अगर 40 वीक तक भी अगर पेन्स नहीं आते हैं या लेबर पेन नहीं शुरू होते हैं, तो फिर इंडक्शन किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल पेन या कृत्रिम रूप से दवाइयों के द्वारा दर्द स्टार्ट किए जाते हैं। तो आपको जनरली 40 वीक तक वेट करने की सलाह दी जाती है। अगर अब आपका जैसे 36 वीक कंप्लीट हो गए और 37, 38 या 39 वीक चल रहा है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कि बच्चे के मूवमेंट्स बराबर होते रहने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, बच्चा घूम नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ये सबसे पहला लक्षण है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण, अगर आपको पेट के अंदर दर्द शुरू हो गए हैं और दर्द आपको पीछे कमर से होकर आगे की तरफ आ रहे हैं, यानी कमर से आगे की तरफ अगर आपको दर्द आते हैं और हर 5 से 10 मिनट के अंदर एक बार दर्द आ रहा है, यानी कि रेगुलर पेन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि लेबर पेन्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन हो, बट हाँ, आखिरी दिनों में अगर इस तरीके के पेन आ रहे हैं जो कमर से पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लेबर पेन्स ही होंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण, अगर आपको पानी छूटता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से, या आपका पतला पेशाब की तरह यूरिन लाइक पानी निकल रहा है, तो वो लीकिंग का साइन होता है, यानी कि आपका जो बैग ऑफ वाटर है, यानी कि जो वाटर जो बच्चे के चारों तरफ पानी की थैली होती है, वो रप्चर हो गई है, फूट गई है और सारा पानी बाहर निकल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। चौथा लक्षण होता है कि अगर किसी प्रकार की स्पॉटिंग हो रही है, यानी खून के धब्बे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना अब स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। कई बार आंवलनाल अपनी जगह से उखड़ जाती है, जिसको एब्रप्शियो प्लासेंटा कहते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर आप लेट करते हैं तो बच्चे की या जच्चा की जान जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको ये लग रहा है कि आपको रुक रुक के दर्द आ रहे हैं, कमर से पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, पतला पेशाब के जैसा पानी जा रहा है, यानी लीकिंग हो गई है, जिससे कि वाटर मेम्ब्रेन बस्ट बोलते हैं, वाटर रप्चर बोलते हैं, तीसरा आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपके बच्चे की मूवमेंट्स कम फील हो रही है, बच्चा कम घूम रहा है या बराबर नहीं घूम रहा है, तो ये चारों पांचों कंडीशंस में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रेगनेंसी के आखिरी समय में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और इनमें से कोई भी एक लक्षण भी अगर आपको फील होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जैसे जैसे दर्द बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चेदानी का मुँह खुलता जाएगा और बच्चा नीचे सरकता जाएगा। तो आपको ये भी महसूस होगा कि आपको ऊपर पेट की तरफ अब जगह महसूस होने लगी है, थोड़ा लाइट लगने लगा है और बच्चा नीचे जाने लगा है, तो ऊपर पेट पर स्पेस बनने लगता है, तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। और ये भी एक लक्षण होता है कि बच्चे का हेड इंगेज हो गया और नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉटी पे प्रेशर आ रहा है, यानी आपको पॉटी करने जैसा लग रहा है, तो यानी कि हेड काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि वो पेशाब लेटरिन की थैली पे एंड रेक्टम पे प्रेशर डालता है बच्चे का सिर, तो भी ये फीलिंग आती है। या आपको यूरिन पास होने लगा है तो भी एक लक्षण हो सकता है, या बार बार यूरिन जाने का लग रहा है तो भी लक्षण हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं बट ज़रूरी हैं, तो ये भी आपके दिमाग में होने चाहिए। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपके लिए डॉक्टर सारी तैयारी करके रखे।
जब भी आप घर से निकलें तो लूज़ कपड़ों में निकले, कुछ अपने साथ पैड्स, और अगर आपको लीकिंग हो रही है तो आप डायपर यूज़ कर सकती हैं या पैड यूज़ कर सकती हैं ताकि आपके कपड़े ख़राब नहीं हो। ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको प्रिकॉशंस रखनी है। और अगर आपका बच्चा ना ही घूम रहा, कम घूम रहा है, या ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चे के मूवमेंट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप सीधा बैठ सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो करवट लेके लेटें और गहरी गहरी सांसें लें ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई भी बराबर मिलती रहे। अपना हाइड्रेशन आप पूरा रख सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खाने पीने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े। इसलिए अगर आप खाली पेट रहती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं है, तो ऑपरेशन करना आसान होता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो बेहोशी दी जाती है उसके बाद कई बार उल्टियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत हैवी खाना नहीं खाना होता, एक दो घूंट सिप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, नारियल पानी या नींबू पानी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है, और जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो भी एक नौजिया सेंसेशन या वॉमिटिंग्स स्टार्ट होती हैं, तो फिर आपको पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक रैचिंग हो सकती है, तो वो आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए खाने पीने के को थोड़ा अवॉइड करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको देख ना ले, ये डिसीजन ना हो जाए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, सिजेरियन होने वाला है, या ऐसी कोई इमरजेंसी है कि जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से लक्षण हैं, जब आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कब इमरजेंसी में जाएं, और कब आप आराम से जा सकती हैं, और जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। घर पर अगर आप हैं तो आप करवट लेकर लेटें ताकि बच्चे को ब्लड फ्लो आराम से बना रहे, और खाना पीना आपका प्रॉपर रखें, और जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।